अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। आप जो मेरी वीडियोस देख रहे थे कि आपको मैंने अप्लायंस का भी ऐड लगाया हुआ था, पार्वी अप्लायंस, पार्वी यूविंग्स अप्लायंस, तो ये जेड एवरी है। मैंने इसकी पहले भी वीडियोस लगाई थी, ये सेटअप देख सकते हैं आप लोग। तो ये सेटअप है जिसकी मैंने वीडियोज़ लगाई थी, तो इनके पेरेंट्स भी दिखा देता हूँ बर्ड्स के, ठीक है। मेरे फ्रेंड का सेटअप है ये माशाल्लाह से, और ये लोकल ब्रीड है, ये बाहर के बर्ड नहीं है, माशाल्लाह से क्वालिटी वाइज बर्ड है, डीएनए भी हुआ है, तो डीएनए के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपको बर्ड्स अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगे। तो सेटअप की प्रोग्रेस भी दिखा देते हैं और सेटअप भी आप लोगों को दिखाते हैं कौन से बर्ड्स हैं, हम किन की ब्रीड आ रही है, और अगर किसी को चाहिए वो बर्ड्स तो उनको इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर में जो अभी भी अवेलेबल है, कुछ बर्ड्स कुछ सेल हो चुके हैं और कुछ अभी भी अवेलेबल है, और कुछ जो है इंशाल्लाह इन फ्यूचर में जब बच्चे आ रहे हैं वो लोग भी आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ये है जेड एवरी का लोगो है, ठीक है। ये जेड एवरी माशाल्लाह सा ये सेटअप है, और ये मैंने आपको दिखाया था, पहले भी सेटअप दिखाया था, ये लव बर्ड्स का माशाल्लाह सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पे अल्बिनो रेड आइज़, कोरम भाई वाली लाइन के बर्ड्स हैं, पार्ब्लू स्लिटिनोज, ठीक है, पार्ब्लू अप्लायंस, वायलेट अप्लायंस, ठीक है, पार्ब्लू यूविंग अप्लायंस, वायलेट यूविंग अप्लायंस, ये सारी चीज़ें, पेल फैलो, डेकिनो, क्रीमिनो, पेल फैलो, पार्ब्लू पेल फैलो, ये सारी म्यूटेशंस पड़ी हुई हैं। अभी जो मेरे पास बच्चे निकले हुए हैं दो हैं, एक मेल है ग्रीन फिशर, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ जाएगा, ये ग्रीन फिशर स्प्लिट पेल फैलो इन टू, एक जो वॉलेट फिशरी है वो भी स्प्लिट पेल फैलो, उनके पेरेंट्स ये हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये पेल फैलो का मेल है और स्प्लिट की फीमेल है, ठीक है, और ये पार्ब्लू पेल फैलो है माशाल्लाह से, यहाँ पे इसके भी चिक्स आपको दिखाते हैं, इन फ्यूचर में इसके भी चिक्स मिल जाएंगे आपको, पार्ब्लू पेल फैलो, वॉलेट पेल फैलो, इसके बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह से, आप लोगों को बच्चे भी दिखाते हैं इसको, नज़र बस से अल्लाह बचाए। ये है माशाल्लाह से पार्ब्लू पेल फैलो, क्वालिटी देख सकते हैं माशाल्लाह से, हेल्थ देख सकते हैं, ठीक है, ये विजुअल टू विजुअल लग के निकले हुए हैं। वॉलेट पेल फैलो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, वॉलेट पेल फैलो है, और एक और भी वॉलेट पेल फैलो पड़ा हुआ है माशाल्लाह से, ये दो वॉलेट पेल फैलोज है। इंशाल्लाह ये सेल्फ होंगे, तो इंशाल्लाह ये भी अगर आप किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्रीमिनो का पेड़ लगा हुआ माशाल्लाह से, मैंने पहले भी इनकी वीडियो दिखाई थी, ऊपर लिंक भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये पहले इनकी सेटअप की वीडियो प्रोग्रेस वगैरह थी, क्रीमिनो इंटू एल्बिनो लगा हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह से, ठीक है। और यहाँ पे जो है अल्बाइनो रेड आइज़ लगा हुआ, खुरम भाई वाली लाइन जो है लोग कहते हैं, खुरम भाई वाली लाइन, माशाल्लाह से प्रोग्रेस इनकी अच्छी है, 6 अंडे 5 अंडे 4 अंडे, खिलाने पिलाने पे भी डिपेंड करता है, ये भी फर्टाइल अंडों पे बैठी हुई है। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से एल्बिनो के बच्चे भी फॉर सेल नहीं है, इसमें जो पार्ब्लू स्प्लिटिनो है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये एल्बिनो के बच्चे अपने लिए नेक्स्ट ईयर के लिए रोके हुए हैं, ये एल्बिनो खुरम भाई वाली लाइन के ही हैं। इसके साथ हमने ये देखे पार्ब्लू स्प्लिटिनो का बच्चा है फिशरी मास्किंग में, ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वालिटी के बच्चे आए हुए हैं, ये भी मिल जाएगा। डीएनए इसका डीएनए नहीं हुआ, इसके भाई बड़ा हुआ मेरे पास पड़े हुए हैं, तो डीएनए इसका हुआ होगा, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो। स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, ये दो बच्चे आपको जो नज़र आ रहे हैं ये पार्ब्लू स्प्लिटिनोज है कंफर्म। इसके अलावा तो आप लोग ये वीडियो जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इंशाल्लाह इस पर भी आपको ये दो बच्चे मिल जाएंगे डीएनए के साथ, दोनों के दोनों मेल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेयरिंग हुई हुई है एल्बिनो रेड आइज़, ये भी लगा हुआ, ये भी ब्रीड करके बैठा हुआ माशाल्लाह से, ठीक है, 5 अंडे माशाल्लाह से इसने भी दिए हैं एल्बिनो रेड आइज़ ने। और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे भी एल्बिनो रेड आइज़ लगा हुआ है, माशाल्लाह से 6 अंडे दे दिए, ठीक है, 7वां अंडा भी इस इवेंट में था। और जो पार्ब्लू अपलाइन के बच्चे आए हुए हैं मेरे पास, पार्ब्लू यूविंग अपलाइन के बच्चे मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, वो इन पेयरिंग्स के बच्चे हैं, ठीक है। इसका पार्ब्लू का अपलाइन का बच्चा एक, जो आपको ग्रीन कलर का, जैसे ग्रीन कलर का नज़र आ रहा हो, ये भी सी पेयर का बच्चा है, और यूविंग अपलाइन की वो मेल है, सॉरी दोनों की दोनों फीमेल्स हैं। जो पार्ब्लू अपलाइन की नज़र आ रही है ये भी फीमेल है, और जो वॉलेट यूविंग अपलाइन नज़र आ रही है वो भी फीमेल है, दोनों डीएनए फीमेल्स हैं, ठीक है, इस पेयर के बच्चे हैं, जिसको चाहिए वो मिल सकते हैं। बाकी वॉलेट अपलाइंस जो निकले हुए हैं डार्क में, वॉलेट पार्ब्लू अपलाइंस, वो इस मेल के बच्चे हैं माशाल्लाह से, मेल्स की क्वालिटी चेक करें, पर्पल कलर देखें, क्वालिटी देखें, ठीक है माशाल्लाह से। इसके साथ ये पार्ब्लू यूविंग की फीमेल लगी हुई है, और इस पेयर के बच्चे जो हैं आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे इंशाल्लाह भी, ये स्क्रीन पर जो बच्चे नज़र आ रहे हैं वो इस पेयरिंग के बच्चे हैं, ठीक है, वॉलेट अपलाइंस, वॉलेट पार्ब्लू जो हैं आपके इस पेयर के बच्चे हैं, ठीक है, ब्लू अपलाइन भी।
और यहाँ पे पार ब्लू लगा हुआ है, फीमेल है माशाल्लाह से, इसके भी बच्चे वगैरह आए हुए हैं, स्प्लिटिनोज हैं ये दोनों एल्बिनो के साथ लग के। इन फ्यूचर जब ये बड़े होंगे तो ये भी मिल जाएंगे आपको स्प्लिटिनोज बच्चे इंशाल्लाह, पार ब्लू स्प्लिटिनोज कंफर्म देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह ये पेयरिंग वगैरह हुई हुई है, ये सेटअप लगा हुआ है पार ब्लू इनटू ये फिशरीज लगाई हुई है, कुछ अल्बिनो इनटू अल्बिनो फिशरी लगी हुई है, ये घर के निकले हुए थे अल्बिनो रेड आई और ये घर की फिशरीज निकली हुई थी स्प्लिटिनोस, इन्होंने माशाल्लाह से लेइंग की हुई है, नहीं इसने नहीं की सॉरी, इस पेयर ने नीचे लेइंग की हुई है, ये भी स्प्लिटिनो का पेयर लगा हुआ है, अल्बिनो रेड आई फैटी हुई है फीमेल इधर माशाल्लाह, इधर भी ये पेयरिंग हुई हुई है स्प्लिटिनो इनटू अल्बिनो, ये पार ब्लू स्प्लिटिनो है, बड़ा पेयर है माशाल्लाह से, पार ब्लू स्प्लिटिनो इनटू अल्बिनो रेड आईज, ये घर का पेयर था, इसने भी तीन अंडे दिए हैं, भी फर्टाइल है माशाल्लाह से, और इसके पेरेंट्स जो है पार ब्लू स्प्लिटिनो के, इनकी मास्किंग देख रहे हैं बिल्कुल फिशरी मास्किंग में माशाल्लाह से, और सिंगल फैक्टर ये मिस्ट्री भी हैं, ठीक है सिंगल फैक्टर मिस्ट्री भी हैं ये माशाल्लाह से, और ये ऊपर बड़ा पेयर है जिसकी ब्रीड ली थी, अल्बिनो रेड आईज है, उसके साथ पार ब्लू स्प्लिटिनो का मेल है, उसकी मास्किंग चेक करें बहुत अच्छी मास्किंग है, ठीक है क्वालिटी दे सकते हैं आप। तो ये सेटअप है भाइयों, तो जिन लोगों को बर्ड्स चाहिए हो, ठीक है आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा दी, आपको जो अप्लायंस वगैरह नज़र आ रहे हैं सारी कोटेशन नज़र आ रही हैं, ये मेरा भाई का सेटअप है भाई, लोकल ब्रीड है, कराची की ब्रीड है, आपको सामने सेटअप भी दिखा दिए, पेरेंट्स भी दिखा दिए, ताकि लोग समझते हैं इंपोर्टेड बर्ड है, इंपोर्टेड बर्ड नहीं है, लोकल बर्ड है, डीएनए के साथ है, रिंग क्लोज रिंग बर्ड्स हैं, तो जिसको चाहिए वो मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है 03129874889, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इसके अलावा जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, जिसने कॉन्टैक्ट करना मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। लोकेशन जो है मेरी वो है एयरपोर्ट के पास शमसी सोसाइटी, ठीक है शमसी सोसाइटी में शमसी हॉस्पिटल के पास आगे, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, आने से एक घंटा पहले मुझे कॉल कर लें, इंशाल्लाह आपको अच्छी क्वालिटी के लोकल ब्रीड और जो चीज़ कंफर्मेशन के साथ जो स्प्लिट होगा वो स्प्लिट ही होगा इंशाल्लाह, उस चीज़ की गारंटी होगी आप लोगों को, ठीक है जो लोग मुझे जानते हैं इंशाल्लाह मैं कभी भी ख़राब चीज़ देता नहीं, जो मेरे आपके सामने चीज़ होती है वही मैं लोगों को भेजता हूँ आगे, ताकि भाई कंफर्मेशन हो, क्योंकि नाम बनाने में भाई सालों लगते हैं, एक मिनट में उजड़ जाता है, अगर आपने खुदा ना खास्ता मैंने सिंपल फिशर का बर्ड है फॉर एग्जाम्पल जो इसका बच्चा निकला हुआ स्प्लिट पेल फैलो, अगर वो सादा फिशर है तो वो 1500 रुपये का है, और अगर वो पेल फैलो स्प्लिट है तो वो 40 से 50 हज़ार रुपये का, तो इसलिए बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो हम वह उस चीज़ पर काम करता हूँ जो कि सही होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और जिन लोगों को चाहिए हो बर्ड्स इन फ्यूचर ही नहीं का ये अप्लायंस का पेल फैलोस का ही है, तो आपको अगर चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर।